स्वतंत्रता दिवस। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य जी, वंदनीय शिक्षकगण, और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से इस स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने देश का सतहत्तरवां स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत आजाद हुआ था। हमारा भारत देश दो सौ वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्र सेनानियों
जैसे बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, आदि ने बलिदान दिए। और अत्याचार सहते हुए भी वे देश के अत्याचार सहते हुए भी वे देश को आजादी दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहे। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये की
बनाएंगे देश भारत को और भी महान। जय हिंद। जय भारत। स्वतंत्रता दिवस। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य जी, वंदनीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से इस स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। हमारा भारत देश 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने, जैसे बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे आदि ने बलिदान दिए और अत्याचार सहते हुए भी वे देश को आज़ादी दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहे। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान। जय हिंद, जय भारत।